हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल अगेन इन आवर टुडेज क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ प्लांट। वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लासेस आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट नेम स्टेम। सो टुडे वी विल गो टू स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट ऑफ प्लांट नेम इज लीफ। आज हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? लीफ के बारे में। इसको पत्ता कहते हैं, पत्ता, पर्ण भी कहा जाता है इसको, पर्ण। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं जय माँ सरस्वती के नाम से। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे पत्ता होता क्या है। व्हाट इज लीफ? ऑन ए ब्रांच यू सी सेवरल स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट एंड दे आर हाई इन नंबर। सबसे ज्यादा चीज आप देखते हो किसी प्लांट पे, किसी ट्री के ऊपर, वो सबसे ज्यादा पत्ते ही होते हैं। अब हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। हम बना लेते हैं लीफ की स्ट्रक्चर। इट इज अवर लीफ। ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर है बेटा? ये आपकी लीफ की स्ट्रक्चर है। अब देखो ध्यान से आपका जो ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका लीफ है ना? ये आपका क्या है बेटा? लीफ आपका ये। अब जो आपने देखा है, जैसे मान लो ये आपकी टहनी है, ये वाली टहनी, और ये पत्ता यहां से ऐसे यहां से जुड़ा हुआ है। तो देखो पत्ता तो यहां तक का है ना, यहां तक का पत्ता, तो ये यहां से लेके यहां तक का एरिया है पत्ता का। ठीक है, इस एरिया को कहा जाता है लेमिना। क्या बोलेंगे बेटा? लेमिना। लेमिना क्या होता है? ब्रॉड पार्ट। ब्रॉड मैंने चौड़ा भाग, ये चौड़ा है ना बीच में से, तो इस चौड़े भाग को लेमिना या लीफ ब्लेड कहा जाता है। लीफ ब्लेड कहा जाता है, पत्ते के बीच के चौड़े भाग को लीफ ब्लेड या लेमिना बोला जाता है। और जिस डंडी से, देखो पत्ता इस डंडी से इस स्टेम के साथ जुड़ा है, तो पत्ते को ये डंडी जोड़ने का काम कर रही है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रही है? ये डंडी। तो इसको, इसका भी कोई नाम होता होगा। यस, इसका नाम क्या होता है बेटा? पेटियोल। क्या बोलेंगे? पेटियोल। व्हाट इज पेटियोल? इट इज ए थिन स्टाक लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट लीफ विद द स्टेम। यह एक पतली डंडी की तरह एक संरचना होती है जो पत्ते को किससे जोड़ती है? टहनी से या तने से। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और पार्ट्स की। जो ये ऊपर का पार्ट है इसको कहते हैं लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स, टॉप, टॉप का पार्ट। ओके बेटा, अब आपने देखा होगा कि एक पत्ते के बीच में एक बिल्कुल मोटी लाइन गई हुई होती है इस तरह से। आप जैसे पत्ते को मोड़ के देखना घर पे, या आपके आसपास पत्ते को तोड़ के देखना, इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं मिड रिब। क्या बोलेंगे? मिड रिब। मिड मैंने बीच की, रिब मैंने पसली होते हैं वैसे रिब मैंने, तो ये बीच की क्या है? बीच की एक मोटी लाइन है, ए प्रोमिनेंट लाइन, एक बिल्कुल खास मोटी लाइन, इसको आप क्या बोलेंगे? मिड रिब बोलेंगे। और इसके साइड में आपने देखा होगा ऐसे पतली लाइनें लगी होती हैं लीफ में, है ना, ऐसे ऐसे लगी होती है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको वीन्स कहा जाता है बेटा। क्या बोलेंगे इनको? वीन्स। व्हाट आर वीन्स? दे आर द लाइन्स That are present on the sides of the midrib in a leaf. Midrib है ना, midrib, उसके साइड में, midrib के साइड में जो लाइन्स लगी होती हैं, उनको वीन्स कहा जाता है। अब जो वीन्स है उसके बेस पे पत्ते में दो डिजाइन होते हैं। क्या होते हैं पत्ते में दो डिजाइन होते हैं? एक तो डिजाइन ऐसा होता है ना लाइनों का इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट डिजाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रेटिकुलेट डिजाइन बोलेंगे। रेटिकुलेट क्यों बोला? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है नेट लाइक है, जाल की तरह है, जैसे एक जाल होता है ना मछली पकड़ने, जाल उसकी तरह स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है बेटा, एक तो होता है ये डिजाइन इसका वीन्स के, एक सेकंड होता है, सेकंड में क्या होता है, आपका पत्ता होता है इसके अंदर जो लाइन होती है वो साइड में तो होती है लेकिन सारी क्या होती है? सीधी होती है। जैसे बीच वाली सीधी है तो साइड वाली भी सीधी होंगी, लेकिन इसमें बीच वाली सीधी होती है लेकिन साइड वाली टेढ़ी होती है। जिसमें टेढ़ी हो उसमें रेटिकुलर डिजाइन, और जिसमें सीधी हो सारी उसमें पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये होता है जैसे एक लाइन ये उसके पैरेलल में सीधी लगी हुई है, पैरेलल डिजाइन। तो ये दो तरह के डिजाइन होते हैं। ओके बेटा, तो आपने यहां तक ही समझा देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये था पत्ते के बारे में। और इसका हरा रंग क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूँ, क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज ए ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ एंड इट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल एक हरे रंग का एक वर्णक होता है जो रंग देने का काम करता है किसको? पत्ते को, जिसकी वजह से आपको जो पत्ता है या पूरा जो प्लांट है वो ग्रीन कलर दिखता है। अगर आपसे पूछे व्हाई द कलर ऑफ द प्लांट इज और द लीफ इज ग्रीन, आप बोल देना सर ड्यू टू क्लोरोफिल, ड्यू टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण। अब इसके हम फंक्शन पढ़ लेते हैं, काम क्या होते हैं पत्ते के।
पत्ते के काम होते क्या क्या हैं। पत्ते के बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला क्या काम होता है आपका, फूड बनाना। सबसे मेन तो यही है बेटा, वैसे फूड बनाने का, फूड मेकिंग सबसे यही काम है इसका। इसलिए इनको क्या कहा जाता है पत्तों को, किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट है, किचन ऑफ द प्लांट क्यों बोला है, रसोई घर क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, पूरे प्लांट का या ट्री का खाना बनाते हैं, इसलिए इनको रसोई वाला कहा जाता है, रसोई वाले। ठीक है, तो इनको पत्तों को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट, रसोई घर कहा जाता है, किसका, प्लांट का या ट्री का। ठीक है बेटा, तो ये है आपका फंक्शन। और क्या काम होता है इसका, ये खाना, और ये जो खाना बनाते हैं किस प्रकार से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में होता है CO2 प्लस वाटर और क्लोरोफिल की और सनलाइट होना चाहिए, और इससे क्या बन जाएगा C6H12O6, ये आपका भोजन है, स्टार्च कहते हैं, और बाहर क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, क्लोरोफिल और ये सनलाइट, की चार चीजों के जुड़ने से क्या बनेगा आपका, फूड स्टार्च के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। अभी देखते रहिए यहां तक का। ठीक है बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कहां से निकलती है, हमारे नाक से बाहर निकलती है, जानवर इसको बाहर छोड़ते हैं, खुद भी बाहर छोड़ते हैं, लेकिन ये डे के दौरान अपना खाना बनाते हैं सूरज की लाइट में, क्योंकि सूरज की लाइट मोस्टली डे में ही होती है। वाटर ये कहां से आता है, ये जड़ दे देती है इसको खींच के, हमने पीछे पढ़ा इस टाइम के अंदर। और आपका जो क्लोरोफिल है, क्या ये क्लोरोफिल होता है ना इसके अंदर हरे रंग का, अभी बताया मैंने। और सनलाइट ये कहां से मिलती है, इसको सन से, जब ये चारों चीजें आपस में मिक्स हो जाती है तो इससे C6H12O6, ये स्टार्च है, ये तो आपका फूड है, ये आपका क्या है, स्टार्च। ठीक है, आपने याद है हमने एक्सपेरिमेंट किया था, स्टार्च टेस्ट फॉर स्टार्च इन पोटैटो, आयोडीन सॉल्यूशन डाल के, है ना। और ऑक्सीजन गैस, ये हम जो सांस ले रहे हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये था आपका अभी तक लीफ के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं मॉडिफाइड लीफ, क्या पढ़ेंगे अब हम, मॉडिफाइड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो मॉडिफाइड लीफ क्या होंगी, मॉडिफाइड लीफ क्या है, मॉडिफाइड लीफ का मतलब बदले हुए पत्ते। जो पत्ते बेटा वो कुछ चीजों में बदल जाते हैं जिसकी वजह से उनको मॉडिफाइड कहा जाता है। जैसे मैं बता देता हूं कि मॉडिफाइड लीफ के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो बेल होती है, मोस्टली जो बेल है, जैसे पी प्लांट में, मटर के पौधे में जो बेल होती है, जो बेल लगती है, वो क्या है, वो लीफ ही है। लीफ किससे बदल जाते हैं, जो ये पत्ता है ना आपका, ये आपका इस तरह से बेल में बदल जाता है, ये बेल एक पत्ता ही है। और ये क्या करता है, ये किसी चीज के सहारे क्या हो जाता है, लपेट लेता है अपने आप को, इसको टेंड्रिल कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, टेंड्रिल। ये किसी सहारे के, किसी का सहारा पकड़ के, जैसे मान लो एक सहारा है, इसके इर्द गिर्द लिपट जाएंगे और अपने ऊपर ऊपर चढ़ा लेंगे, जिससे आपके बहुत सारे जो मटर की जो बेल है वो ऊपर चढ़ जाती है, और बहुत सारे मटर आपको देखने को, अंगूर की खेती हो गई, इस तरह से बहुत सारी जो बेल लगती हैं, जिससे हम क्या मिलते हैं, अंगार जो चीजें खाने को हमें मिलती हैं। तो पहला काम यही हो गया इसका, टेंडल, एक टेंडल बदल जाने, बेल में बदल जाना। बेल को क्या कहा जाता है, वाइन्स कहा जाता है, वाइन्स लताएं, बेल। ओके, सेकंड क्या होता है, सेकंड तो आपने अभी देखा ही है, हम पत्ते खाते हैं, हम पत्ते खाते हैं ना, कौन कौन से पत्ते खाते हैं आप पता है, पत्ता गोभी हो गया ना, पत्ता गोभी क्या बोलेंगे इसको, लेट्यूस, लेट्यूस कहते हैं इसको, पत्ता गोभी को, है ना, पत्ता गोभी आप खाते, क्यों खाते हैं पत्ता गोभी, क्योंकि वो पत्ते हैं। ओके, और पालक, यस पालक है ना, जो पालक उसको खाते हैं। तो आप क्या करते हैं, मोस्टली इन्हीं चीजों को खाते हैं। अब जो आपने सीखा क्या है इसमें, कि लीफ जो है वो क्या करते हैं, एक तो अपने आप के जो बेल में बदल लेते हैं, और भी काम होते हैं इनको, स्पाइन आपने देखा, जो स्पाइन है, कांटे हैं, जो कैक्टस में ये जो कांटे हैं, ये आपके लीफ ही हैं, ये पत्ते ही हैं। आप बोलोगे सर वो तो कांटे, बेटा वो लीफ है, वो कांटों में क्यों बदले हैं, ताकि ज्यादा पानी का लॉस न हो सके, ज्यादा पानी का लॉस न हो सके। पानी का लॉस किस में से होता है, लीफ में से होता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन क्यों जरूरी है, ताकि जो पत्ते का टेम्परेचर है वो कूल रहे और वो मेंटेन रहे। अगर ज्यादा पानी हो गया तो वो गल जाएंगे और खराब हो जाएंगे। इस तरह हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो प्रेशर हो जाता है, फिर हम उसको वॉशरूम में जाके क्या कर देते हैं, पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जो पत्ते होते हैं वो अपने जो लीफ होता है, लीफ के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा क्या करते हैं, स्टोमेटा से ही CO2 गैस अंदर आती है और ऑक्सीजन जब बन जाती है तो बाहर जाती है। और इसमें से क्या होता है, आपके जो पानी जो जड़ों से स्टेम से इसमें आया था,
जो ज्यादा होता है तो जो वो सूर्य की गर्मी पड़ जाता है तो गर्म होकर उबल जाता है और वेपर के रूप में बाहर आ जाता है, ताकि पत्ते में जो पेड़ प्लांट में पत्तों में जो पानी है वो फिक्स रहे, एक लिमिट में रहे, ठीक है। तो ये भी काम होता है इसका, और स्पाइन के रूप में होता है ताकि ज्यादा जानवर को खा नहीं सके, बचने के लिए भी होता है इसका, और हम इनको खाते भी हैं, और आपका एक बेल के रूप में होता है। सो ये था आज, तो ये था आज के लिए आप सभी के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर एंड वॉच दिस वीडियो अगेन। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द गिवन कमेंट सेक्शन बिलो दिस वीडियो। सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बी हैप्पी।